हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रपति के विट्टो पावर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या है विट्टो पावर और कैसे एक राष्ट्रपति विट्टो का उपयोग करता है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, 18 जुलाई को मतदान होने हैं। NDA ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर रखा है, जिनके जीत की प्रबल संभावना है। वहीं पर विपक्षी दलों की तरफ से उम्मीदवार हैं श्री यशवंत सिन्हा। अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाती हैं तो वह पहली आदिवासी महिला होंगी जो भारत के राष्ट्रपति बनेंगी। दोस्तों, मैं भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें सारी बातों को समझा चुका हूं। भारत के राष्ट्रपति को कभी कभी रबर स्टैम्प क्यों बोल दिया जाता है? क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प की तरह असली में है? भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, लेकिन उसे कुछ विट्टो पावर भी मिले हुए हैं और संविधान के अनुच्छेद 111 में इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रपति किस तरह से किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए स्वीकृति देता है, अस्वीकृत करता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है। इसी टॉपिक को लेकर के आज का वीडियो है, लेकिन इसके पहले पेपर की कुछ कटिंग्स को देख लीजिए, जिसका स्क्रीनशॉट मैं लगा रखा हूँ जनसत्ता का, कि इसमें क्या कहा गया है। राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा का कहना है कि BJP तानाशाही से राज कर रही है, उसने संविधान की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। अगर इन्हें रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट मिला तो ये बेलगाम हो जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को ये बात गंभीरता से सोचनी होगी, नहीं तो देश गहरे संकट में आ जाएगा, फिर उबरना मुश्किल होगा। वहीं पर NDA का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना करके भारत एक गौरव हासिल करने वाला है कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनेंगी। अभी तक आदिवासियों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति पद तक के लिए नहीं रहा है और इस तरह से द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हो जाएंगी तो वह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। तो आइए हम लोग भी जान लें कि अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को ऐसी कौन सी शक्तियां दे दी गई हैं जो राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण पद बना देता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 111 में दी गई शक्तियों को और उसे समझने का प्रयास करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत करता है, या अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तब उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है। अगर ऐसी स्थिति में संसद पुनः उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन किए ही वापस राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजता है तब राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावे एक तीसरी स्थिति भी बन सकती है कि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी तीन तरह की स्थिति बनती है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो तीन तरह की स्थिति बनती है। एक स्थिति तो बनती है कि वह स्वीकृति दे देता है, दूसरी स्थिति बनती है कि वह पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है, और तीसरी स्थिति बनती है कि वह अपनी स्वीकृति के लिए उसे सुरक्षित रख सकता है। पहली स्थिति में अगर वह विधेयक को अनुमति देता है यानी स्वीकृत कर लेता है, मतलब कि उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब वह अधिनियम बन जाएगा। और दूसरी स्थिति में अगर वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास भेजता है और संसद उसमें आंशिक संशोधन या बिना संशोधन के ही उसे पारित कर देती है, जो कि साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है,
और पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। साधारणतया राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को अनुमति प्रदान ही कर देता है, क्योंकि कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति के सलाह से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जब उसे राष्ट्रपति के सलाह पर प्रस्तुत किया गया है तो वह उस पर सहमति दे देता है, यानी उसको अनुमत कर लेता है, हस्ताक्षर कर देता है। लेकिन अगर किसी हालत में धन विधेयक राष्ट्रपति के बिना सलाह लिए ही संसद में प्रस्तुत किया गया है और उसे पारित करा करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, तब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। तीसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास यह होता है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को वह स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेता है। इस तरह से राष्ट्रपति एक निषेधात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, खास करके तब जब विधेयक को बिना सोचे समझे या बिना विचारे जल्दबाजी में पारित कर दिया गया हो या राष्ट्रपति की नज़र में विधेयक असंवैधानिक हो। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति तीन प्रकार से विट्टो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आइए समझते हैं कि वे विट्टो कौन कौन से हैं। भारत का राष्ट्रपति तीन तरह के विट्टो पावर का यूज करता है। आत्यंतिक विट्टो यानी एब्सोल्यूट विट्टो, निलंबनकारी विट्टो यानी सस्पेंसिव विट्टो, और पॉकेट विट्टो। पॉकेट को हम लोग जेब बोलते हैं, यानी इस विट्टो को जेबी विट्टो ही बोलते हैं। विट्टो दरअसल एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना। भारत का राष्ट्रपति तीन तरह से विटो का उपयोग कर किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकने का प्रयास कर सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा इसलिए करता है कि विधायिका अनियंत्रित होकर के बिना विचारे कोई अधिनियम नहीं बना सके। हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, और बिना उसकी अनुमति यानी बिना उसके हस्ताक्षर किए कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। अब देखिए कि भारत का राष्ट्रपति किस तरह से विधायिका के द्वारा पारित किए गए विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकता है, यानी वह अपनी विट्टो शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकता है। हालांकि सभी विट्टो एक ही तरह से प्रभावी नहीं हैं, और यह राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि वह किस तरह से अपनी विट्टो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इस तरह से पहला विट्टो है आत्यंतिक विट्टो यानी एब्सोल्यूट विट्टो, और इस तरह के विट्टो का प्रयोग राष्ट्रपति दो स्थिति में करता है। पहली स्थिति कि जब विधेयक किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया गया हो और दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु पहुंचा हो, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति हेतु सुरक्षित कर सकता है, जिसका मतलब होता है स्वीकृति का नहीं मिलना। इस तरह वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है और वह विधेयक कभी अधिनियम नहीं बन पाएगा। गैर सरकारी किसको बोलेंगे? तो वह जो संसद का सदस्य तो है लेकिन मंत्री नहीं है, यानी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक ही सरकारी विधेयक के दर्जा में होगा, अन्यथा वह गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। और ऐसे विधेयक का अक्सर हश्र यही होगा कि राष्ट्रपति उसको स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेगा, यानी वह अस्वीकृत हो जाएगा। इस तरह से वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा और वह विधेयक कभी अधिनियम नहीं बन पाएगा। एब्सोल्यूट विट्टो के प्रयोग करने के लिए दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब विधेयक तो सरकारी हो और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया हो, लेकिन स्वीकृति मिलने के पहले ही मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे या मंत्रिमंडल किसी तरह से विघटित हो जाए और जो नया मंत्रिमंडल बने वह राष्ट्रपति को विधेयक को अस्वीकृत करने की सलाह दे, तो ऐसी स्थिति में आत्यंतिक विट्टो का उपयोग राष्ट्रपति करता है। हालांकि इस तरह का विट्टो यानी आत्यंतिक विट्टो ज्यादा प्रभावी नहीं है। आत्यंतिक विट्टो के प्रयोग का उदाहरण देखिए। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक रखा था,
जब विनियोग विधेयक को पारित किया गया था तब पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, लेकिन राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जब विधेयक को भेजा गया था उस वक्त राष्ट्रपति शासन हटाया जा चुका था। क्या है PEPSU राज्य? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जो 1948 से 1956 तक 8 रियासतों को मिला करके बनाया गया था। 1956 में यह पूरी तरह से पंजाब का हिस्सा बन गया, और पंजाब से जब हरियाणा बना तो उसमें इसका थोड़ा हिस्सा चला गया, वहीं पर कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी है। एक दूसरा उदाहरण भी मिल जाता है, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकट रमन ने 1991 में रोक रखा था, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के बिना ही लोकसभा के विघटित होने के एक दिन पूर्व पारित किया गया था। अब दूसरी तरह के विट्टो को देखिए, निलंबनकारी विट्टो यानी सस्पेंसिव विट्टो। यह साधारण बहुमत वाला विट्टो होता है, जब संसद के दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर तत्काल स्वीकृति न देकर एक नोट के साथ या बिना नोट के उस विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा दे, तब वह निलंबनकारी विट्टो का प्रयोग कर रहा होता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में वह ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक पर राष्ट्रपति के हाथ बन जाते हैं और गेंद संसद के पाले में होती है, जहां सत्ताधारी दल को बहुमत होती है। अगर फिर से वह विधेयक किसी संशोधन के साथ या बिना संशोधन के ही एक साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। और चूंकि सरकार संसद में बहुमत में होती है और एक बार वह विधेयक को जिस तरह से पारित की थी उस तरह से दोबारा भी तो वह पारित कर सकती है, लेकिन इससे सरकार पर एक नैतिक दबाव जरूर उत्पन्न होता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है। अब सरकार पशुपेश में होगी, विपक्षी दल भी उस विधेयक पर थोड़ा हमलावर होंगे और हो सकता है कि सरकार उस विधेयक को निरस्त कर दे। अगर विधेयक को किसी संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए तब भी राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, या पुनः उसी रूप में विधेयक को पारित करके या पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए तब भी राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। यानी हर स्थिति में पुनर्विचार के बाद संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा ही, यानी उस पर हस्ताक्षर करेगा ही, यह उसकी बाध्यता है। लेकिन इस तरह से सरकार पर एक नैतिक दबाव जरूर बनता है कि राष्ट्र का औपचारिक प्रधान, राष्ट्र का प्रतीक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है तो उसके कुछ मायने हैं और उस पर पुनः विचार होना ही चाहिए। इस तरह की बातें संसद में आती हैं। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है कि विधेयक को पुनः विचार करके पुनः पारित करके और राष्ट्रपति के स्वीकृति हेतु भेजा गया है और राष्ट्रपति उसको स्वीकृत किए हैं। लेकिन ध्यान यह रखना होगा कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं लौटा सकता है, यानी धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को निलंबनकारी विट्टो की शक्ति नहीं प्राप्त है। निलंबनकारी विट्टो को संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, यानी निलंबनकारी विट्टो समाप्त हो जाएगा जब साधारण बहुमत से फिर से विधेयक को पारित कर दिया जाए। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में बात ऐसी नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति के विट्टो को निरस्त कर देने के लिए, उसे समाप्त कर देने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इस तरह से यह विशेषित विट्टो कहलाता है, और भारत के राष्ट्रपति के पास इस तरह की कोई विट्टो शक्ति नहीं होती है। यानी भारत के राष्ट्रपति के विट्टो को निरस्त करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अब बात करते हैं पॉकेट विट्टो की। जब संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति ना ही स्वीकृति दिया हो
ना ही उसे अस्वीकृत किया हो और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक राष्ट्रपति के पास ही अनिश्चित काल तक पड़े रह जाता है। और राष्ट्रपति ऐसा इसलिए कर पाता है कि संविधान में विधेयक को स्वीकृत करने या पुनर्विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकन राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने की समय सीमा तय है। तो इस मामले में भारत का राष्ट्रपति थोड़ा मजबूत स्थिति में होता है कि वह अनिश्चित काल तक पॉकेट बिट्टो के माध्यम से विधेयक को लटकाए रख सकता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इस विट्टो का प्रयोग किया था। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह के विधेयक को लाया था, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। और वह विधेयक जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए ज्ञानी जैल सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने उस विधेयक को यूं ही पड़े रहने दिया, उस पर कोई जवाब नहीं आया। इस तरह से उस विधेयक पर जेवी विट्टो का प्रयोग हुआ, यानी पॉकेट विट्टो के माध्यम से उस विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए लटका करके रख दिया गया। लेकिन 3 साल के बाद आर वेंकट रमन ने उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाया था, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने उस विधेयक को रद्द कर दिया था। राष्ट्रपति को राज्य विधायिका से संबंधित विधेयक में भी विट्टो की शक्ति प्राप्त है। जानिए वो कैसे। जब किसी राज्य की विधायिका से पारित विधेयक संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास स्वीकृति हेतु लाया जाता है, तब राज्यपाल उसे स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। इस तरह से किसी राज्य का राज्यपाल जब राज्य की विधायिका से पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेता है, तब उस आरक्षित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा दिया जाए। और ऐसी स्थिति में विधायिका से संशोधन के साथ या पुनः उसी रूप में विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। तब भी राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब हुआ कि राज्य की विधायिका राष्ट्रपति के विट्टो को निरस्त नहीं कर सकती है, और साथ ही संविधान में यह समय सीमा भी नहीं दी गई है कि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक निर्णय दे। इस तरह से ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति जेवी विट्टो यानी पॉकेट विट्टो का प्रयोग कर सकता है। इस तरह से भारतीय राष्ट्रपति के पास विट्टो की शक्ति उतनी प्रभावकारी नहीं है। 24वें संविधान संशोधन के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर विट्टो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी विट्टो की शक्ति संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होती है। इस तरह से राष्ट्रपति की विट्टो की शक्ति काफ़ी सीमित हो जाती है। लेकिन समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रयुक्त हुआ विट्टो की शक्ति उसे रबर स्टैम्प बनने से रोकता है।